गुड इवनिंग एवरीवन, जय श्री महाकाल। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये शाम का वक्त है और कुकर चढ़ाए हुए सब्जी के लिए, और ये मेरे हस्बैंड हैं जो कि जहाँ पर ये जॉब करते हैं वही, तो कुछ कुछ सामान है जो यहाँ से ले जाते हैं, जैसे कि तेल हो गया, फ़ोरन हो गया, हल्दी हो गया, मसाला हो गया, तो वही हम दे रहे थे इनको ले जाने के लिए। मतलब सारा चीज़ यहीं से जाता है, एगो नमक छोड़कर, नमक और हरा सब्ज़ी, बाकी सब चीज़ यहीं से मिलता है उनको। यहाँ पर हम प्याज डाल दिए क्योंकि पनीर की सब्ज़ी ऐसा सब्ज़ी बना रहे थे ना कि जैसे कि इनको 4 बजे 5 बजे ट्रेन रहता है, तो हम 4 बजे उठ जाते हैं, तो 4 बजे उठना पॉसिबल नहीं हो पाता, नींद ही नहीं टूटता, क्योंकि 12-1 बजे सोना, उसके बाद 4 बजे उठना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सोचे कि ऐसा सब्ज़ी बनाएंगे ना कि कल सुबह को हमको फ्रिज में रख देंगे तो दे देंगे और कुछ बना देंगे। तो प्याज गलाने के लिए चढ़ा रहे थे, सोचे कि पनीर बना लेंगे, तो 2 पॉकेट पनीर लाए हैं, तो प्याज गलने के लिए कुकर में रख दिए हैं, और वही सुबह में पनीर की सब्ज़ी और लिट्टी सोच रहे हैं कि बना दें। लिट्टी छाना हुआ ना ढेर देर चलता है। और ये देखिए, ये दूध रख रहे हैं बोतल में ले जाने के लिए, 1 किलो हम लोग का रोज़ दूध आता है, तो जब भी आते हैं तो लेके जाते हैं दूध यहाँ से, तो ये दूध रखे ले जाने के लिए। हम यहाँ पर कुकर चढ़ाए हुए हैं, और ये मेरा मिट्टू है जो खा रहा है। 1 मिनट, वो कुछ काम था तो हम 1 मिनट बोल दिए, और ये यहाँ पर खा रहा था तो सोचा कि एगो क्लिप बना लेते हैं। बड़ा प्यार से खा रहा था दूध और चावल, बोलता ही नहीं है कुछ। गुड इवनिंग एवरीवन, जय श्री महाकाल। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, राधे राधे। ये इवनिंग का समय है, रात के बज चुके हैं 8:30, और हम आए हैं किचन में। ऐसे तो पनीर के रेसिपी हम लोग दे चुके हैं 2-3 बार, लेकिन बना रहे हैं तो सोचे कि दिखला दें घर 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 में, ऐसे दिखला देंगे टोटली में दिखलाएँगे। यहाँ पनीर भी ले रहे हैं, राही कराही है तो एकदम मन मर्जी से चलता है, धसक धसक से। यहाँ पर हम प्याज गला लिए हैं, फोरन सब इसमें डाला हुआ है, जीरा मिर्च सारा चीज़ डाल के प्याज गला लिए हैं। इस प्याज गलाने से क्या होता है, ग्रेवी में थिकनेस आती है, बहुत थिक लगेगा ग्रेवी, अच्छा भी है, स्वाद भी लगेगा। और ऐसे कराही में प्याज भून के बनाइएगा ना तो प्याज अलग अलग दिखता है, और इसमें ज़रा सा प्याज नहीं दिखेगा, ग्रेवी भी थिक रहेगी। तो अभी जा रहे हैं पनीर भून लेंगे, उसके बाद फिर आप लोग से मिलेंगे। ये देखिए 8:30 होने वाले हैं, यहाँ पर सब पढ़ाई कर रहा है बच्चा सब, और उधर रात का सीन है, ये रात हो चुका है, पनीर फ्राई हो गया है, उधर चले गए ना थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा हो गया है लेकिन ठीक है, चलेगा, देख रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा बेचारा सीख गया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, कुकर में गलाए हैं, डाल दीजिए
अच्छा से अपने टेस्ट पास से डाल लेते हैं। अब इसमें हम मसाला डाल लेंगे। मसाला में धनिया 1 चम्मच, हल्दी जितना में कलर आ जाए उतना में हो जाएगा मेरे समझ से, और ये है मिर्चाई लाल वाला सूखा मिर्च, थोड़ा सा डाल देते हैं। हो गया, इसको चला ले रही हूँ। कैमरा कभी कभी फोकस नहीं ले रहा है अच्छे से, अच्छे से दिखा नहीं। मसाला मेरा भीज रहा है, तेल बगल बगल से छोड़ने लगा है। अब इसी स्टेज पर ना हम ये घर का मलाई है कब शुद्ध जो दूध आता है ना उसका छाल ही निकालते हैं, उसी का है एकदम 2 चम्मच हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं 2 चम्मच। पनीर में ना बड़ा स्वाद आता है, ये डालिएगा ना तो स्वाद आएगा। ये 1 चम्मच और 1 चम्मच और, ये बस इतना काफ़ी हो गया। क्या अच्छे रहूँ, ये मलाई अपना घी छोड़ेगा, ये कैमरा में लग जा रहा है मेरी को। आप मुझसे माफ़ी चाहेंगे, कैमरा ज़्यादा हिल रहा है। अब इसको भून लेंगे, उसके बाद दिखलाएंगे आप लोगों को। बगल से तेल मेरा छोड़ दिया है, अब इसमें पनीर डाल देंगे। कैमरा पकड़ने के लिए बुलाए हैं आशीष कुमार को छोटा बेटा, छोटा बड़ा क्या जो है तो मैं क्या को है ये होता छोटा बड़ा क्या। ठीक है भाई, ठीक है बेटा, क्या इसको अब अच्छे से मिला लेंगे। करिए करिए इसको अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद पानी डालें तो अच्छा, थोड़ा सा इसमें पानी पड़ेगा, पानी डाले तो अच्छा, ना डाले तो बहुत अच्छा। लेकिन इसकी ग्रेवी कम में भी ना बहुत स्वाद लगता है। ठीक है भाई, थोड़ा सा इसमें पानी पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा अभी भूनेंगे और तेल छोड़ेगा, मतलब कि वो जो मलाई का है ना वो छोड़ेगा, उसके बाद हम पानी डालेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से सब जगह से घी छोड़ दिया है, ये देख लीजिए। अब इसमें हम पानी डालेंगे, जैसे मैंने बताया डाले तो अच्छा, ना डाले तो बहुत अच्छा। ये कुकर जो प्याज वाला था ना उसी में का हम पानी डाल दे रहे हैं धो के। अब इसको हम 2 मिनट उबाल आने तक पकाएंगे। सिंझल उंझल तो सब है, ये पनीर को ना सिंझता है, लेकिन मेरा वाला पनीर कभी ट्राई करके देखिएगा, मस्त लगेगा। सारा होटल फेल, और कुछ बोला जाता है ढाबा 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 है वो, और कुछ बोला जाता है रेस्टोरेंट, हाँ सब का फेल है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा मसाला भी नहीं है इसमें। अब इसको ढक देते हैं, ढकने के बाद आपको बाद में दिखलाएंगे। पनीर मेरा बन के तैयार, और ये कस्तूरी मेथी थोड़ा सा ऊपर से ऐसे 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 करके डाल दीजिए तो और मज़ा। अब इसको हल्का चला दीजिए, अब मैं ज़्यादा इसका ग्रेवी नहीं सुखाऊंगी, मैं देखने के फिर मैं ना कैमरा ऊपर कर देती हूँ, जब मैं एडिट करती ना तो मुझे पता चलता है कि अरे हम ऊपर कैमरा कर देते हैं। तो चलिए मेरा पनीर तैयार, अब जा रहे हैं, आटा रखा हुआ है देख लीजिए, अब आटा लगाएंगे, उसके बाद कुछ काम करेंगे, रोटी बनाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती हो थोड़ी भी, तो चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट तो ज़रूर करें।
आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं हमको पता चलेगा। अच्छी लगी हो बता दिए, अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक कीजिएगा प्लीज़।